हेलो हाँ मेरा घर मेरा होटल मेरी गाड़ी यहाँ चलो ठीक है बाकी तो हवाई जहाज चला गया मे भी हाँ बिना टिकट क्या करना है मैं हमेशा एक बात ये रखता हूँ मेरे दोस्त जहाँ तक हमारी नीयत साफ होती है कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है फैयाज भाई को मैं मिला था ओह माय गॉड फैयाज भाई ने और मैंने भांगड़ा कैसे किया फैयाज प्लीज फैयाज भाई नहीं चल सकते थोड़ा प्रॉब्लम है फिर भी स्टेज के जहाँ ऊपर जाकर हम दोनों ने भांगड़ा किया राइट इसकी अच्छी बात है यार माय गुडनेस दिस इज व्हाट वी वांट टू डीएक्सएन चाहे चार घंटे बैठो तीन घंटे बैठो एक दो शब्द सीख लिया तो क्या प्रॉब्लम है ऐसा मौका कब मिलता है मिलने के लिए हम कब मिलते हैं ना एक महीने में शायद एक बार दो हफ्ते में शायद एक बार पर जब मिलते तो बहुत खुशी होती है अभी कैसा है ठीक ठाक है यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन नॉट इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि डीएक्सएन इज अ वेरी जेन्युइन कंपनी इट्स अ रियल कंपनी सब कुछ आपको दिखता है माय गॉड इसी बार मैं आया ना मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ कि मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊं सुनने के लिए तैयार है यस सर ओह आप ये ऑफिस का माहौल देखिए अंदर आएंगे ओए कैसा काउंटर है अंदर अंदर है यार और अंदर आए ओए जगह नहीं है बैठने के लिए ये ऑफिस है या क्या है और मीटिंग अंदर है ये कैसा माहौल है यार बात तो बहुत बड़ी करते है इंटरनेशनल कंपनी बोलते कने लोग बोलते कने बोलते ना इंटरनेशनल कंपनी 180 देश में ओ कराची में ग्यारह सर बड़ा बाबू की ऑफिस माय गॉड फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास की है क्लास ही नहीं है ओए मुझे बहुत दुख हुआ तो उस दिन मैं गया मुझे बहुत दुख हुआ बट मालूम नहीं कभी कभी जवाब कहां से ठीक करके आ जाता है ओ मैंने उसको ऐसे तोड़ा फिर मैंने उसको बाय बाय कहा हमारा मेंबर है मैं जानता नहीं वो कौन है मैंने कहा देखो भाई साहब चाहे हमारा ऑफिस कैसा हो ऑफिस वाले के अंदर जितने सारे लोग बैठे ना उन लोगों की नियत अच्छी है नंबर दो मुझे लोगों को दिखाने के लिए जरूरत नहीं है कंपनी अच्छी चल रही है अच्छा चलने वाला है खुशहाल आने वाला है हम मेहनत करेंगे दिन रात भर नई ऑफिस खरीदेंगे डेफिनेटली ये ऑफिस नया भी बनवाएंगे जरूर बनाएंगे अगले साल के नए ऑफिस बनाएंगे आप लोगों के लिए तो दिखाने के लिए जरूरत मैंने इस भाई को कहा भाई आप हम लोगों को ऐसे मत देखो हम लोग कंपनी नहीं है हम एक बड़ा परिवार है बाहर में गरीब लोग है कि नहीं गरीब लोग है कि नहीं है कि नहीं गरीब वाले के घर में कुछ होता है कुछ नहीं होता है आपको घर देखना है या घर वाले लोगों को देखना है जब घर वाले की नियत अच्छी है तो घर कैसा भी टूटा फूटा हो वो नियत अच्छी है ना कबूल करो उसको सेम थिंग चाहे हमारी इंटरनेशनल कंपनी क्यों ना हो उसी ऐसी माहौल ऐसा होता है क्या प्रॉब्लम है हम काम कर रहे हैं हम हैप्पी है क्या हैप्पी हम लोगों को सिर्फ जगह चाहिए मीटिंग करने के लिए ऑपरेशन चलाने के लिए माइट नॉट हाई फाइव स्टार मुझे क्यों ऐसा ज्यादा पैसा बर्बाद करना है बेहतर है कि वो पैसा ही हमारे मेंबर्स लोगों को दे दूं सो मेरे दोस्त आप सब लोगों को मालूम है चार महीने के लिए 300 पीवी करेंगे तो उसको क्या मिलेगा साढ़े चार लाख चार लाख पचास हजार करो कोई बात नहीं बेहतर है वो पैसा मेरे मेंबर्स लोगों को दो क्योंकि उन लोगों की खुशी मेरी खुशी होती है हम लोगों को सिर्फ जगह चाहिए और कुछ भी नहीं मेरे दोस्त मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ सुनने वाली बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पहली बार डीएक्सएन शुरू किया कुछ भी नहीं था आपके पास जीरो थोड़ा कुछ सीखा कमिटमेंट लिया जानकारी की आप आगे बढ़े राइट फिर आप स्टार एजेंट बने वो मीटिंग होती है सपोर्ट मिलता है लीडर है स्टार भी बने स्टार डायमंड बने उसके बाद तो ये सब एक्सपीरियंस
ना तजुर्बे हैं, कोई आपको तोड़ सकता है, कोई आपको तोड़ नहीं सकता है। सो हमारा माइंड को, हम लोगों को खुद को मजबूत करना वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों को, लालच, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, चार प्रोविंस मैंने कवर किया है, मैंने यही शब्द इस्तेमाल किया है, लालच लालच लालच। ऐसा दो डबल होगा, क्या हुआ महंगा, 1 लाख लगा शॉपिंग सेंटर मिलेगा देखने के लिए, क्या हुआ शॉपिंग सेंटर भी उड़ गया। लोग ने पैसा उधार में लिया, लालच, क्या हुआ सब कुछ खत्म। दो से जो आप लोगों को गारंटी की तरह देते हैं, नंबर वन थोड़ा, जितना ज्यादा थोड़ा चाहिए ले लीजिए, आप थोड़ा नहीं रखेंगे आप सबसे नुकसान वाले बिजनेस वाले होंगे। बिजनेस कर रहे हैं ना आप लोग, प्रोडक्ट तो होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होगा यू फेल। नंबर दो, बोनस टाइम से मिल रहा है ना, पेंडिंग नहीं है ना, ओनली टू थिंग्स वी प्रॉमिस, प्रोडक्ट एंड बोनस इन टाइम, दैट्स ऑल। कोई कहता है ना बड़ा कंपनी है तो थोड़ा सब्सिडी भी देना चाहिए, कोई कहता है ना लीडर्स लोग हमें बजट दे दीजिए ट्रेनिंग के लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं है, करना करो नहीं करना कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, सिंपल है सर। इंडिपेंडेंट करना है सब लोगों को, मैं भी इंडिपेंडेंट, हम सब लोगों को इंडिपेंडेंट करना है। जिन जगह पर हम लोगों को ध्यान देना है हर जगह पर हम ध्यान देंगे, नॉट ओनली सेलेक्ट प्लेस, एवरीवेयर। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, हर कोने हर एरिया में हम जाएंगे, डीएक्सएन पहुंचेंगे, यही हमारा काम। सो प्लीज आज से मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू डू, दैट इज लर्निंग एंड अर्निंग, दैट्स ऑल। तो आज आप लोगों ने थोड़ा कुछ सीखा हुआ होगा ना तो बहुत अच्छा होगा, चाहे वो मोटिवेशन करने या कुछ भी, आई वुड सो मेरे लिए जो भी दिल में आता मैं कह देता हूँ और मैं साफ बात करता हूँ, ओके। और अर्निंग तो हम जरूर करेंगे क्योंकि अभी 300 की भी जो मौजूद है, अरे भाई डंडा का वो डंडा का जमाना चल रहा है तो 300 बीवी का जमाना क्यों नहीं चल सकता है, और सो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम। आप लोगों ने मॉरेंजी बॉटल खरीदा, आज आप लोगों ने लिया वो मॉरेंजी बॉटल, कोई नुकसान हुई, कोई नुकसान हुई, कोई फायदा हुआ, बेंजी फायदा हुआ, पर कोई कहता है मॉरेंजी बॉटल में पूरी बॉटल नहीं पी सकता हूं, बहुत महंगी होती है, होते नहीं, बोतल एक ले सकता हूँ पूरी बोतल नहीं पी सकता हूँ, बहुत महंगी है, तो किसका प्रॉब्लम है, खुद का प्रॉब्लम है। महंगी क्यों लग रही है, क्योंकि आपका माइंड कह रहा है महंगी है, हाँ काम नहीं करना चाहते, सब कुछ आसान में लूटना चाहते, नॉट पॉसिबल, माइंड का गेम है ये। जब कहेंगे ये सस्ता है तो 100% सस्ता होगा, जब कहेंगे महंगे तो वो महंगी रहने वाली है। Same thing for work. जब अकेले ये काम करने के लिए बहुत आसान है तो बहुत आसान हो जाएगा, पर एक बार आपके माइंड के अंदर आप कहेंगे कि ये काम करना है तो बहुत मुश्किल होती है, तो हजारों मुश्किल होने वाली है। Very simple. So यहाँ ये दो चीजों में learning and earning, I'm going to tell you something very simple. हम सिंपल तरीके से लोगों को बताते हैं, हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट है, हेलो सेवन टाइप्स ऑफ कॉफी, ओके थैंक यू वेरी मच। आज से आप बात देंगे ये सारा सामान आपके घर के अंदर, जी इन लोगों की अर्निंग अच्छी है, दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। मुमिन भाई आपका कितना भी लाभ बोनस हो, दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। और मेरे पास 10 घर है, दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों दिखाना है, हमारा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे पास इतना सारा जमीन है, इतना घर है, इतना इन्वेस्टमेंट है, दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ
खुश है, बस है, क्यों दिखा है? बताइए। मेरे खुद के स्पॉन्सर डॉक्टर लिमशा जी आज उसने किसी को भी नहीं खाया, उसके पास क्या है क्या नहीं है तो हम लोगों को क्यों कहना चाहिए? हमारे कल्चर में ये नहीं है ना। चाहे कितना भी अमीर हो, इंसान क्यों ना हो बाहर में, क्या वो लोगों को बताया कि मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा घर है, कोई कहेगा ऐसा? वो क्या करेगा? मेहनत और करेगा। कितना पैसा है, मैं और मेहनत करूंगा और पैसा आएगा। दिखाने की जरूरत नहीं है, जो दिखाना भी है दो चीज दिखाइए, आपकी खुद की लाइफ स्टाइल इनफ। आप यहां बैठे कुछ करें ऐसा इनफ। लाइफ स्टाइल ज्यादा दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। बी अ सिंपल मैन। जो वाकई लोगों को मदद करना है कि गरीब के मुंह में स्पायरुलिना डाल दीजिए, ऋषि डाल दीजिए, इतना दिखाने के लिए जरूरत नहीं है।